दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि जान रहे हैं आज बिल्कुल हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आर्टिकल। और ऐसा बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना कि इसके बाद आर्टिकल टॉपिक कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो फटाफट चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल टॉपिक की। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट आर्टिकल। देखो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट, एक आपका क्या होता है इनडेफिनिट होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेफिनिट। एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। पहले दोनों बातों को समझ लो, चीजें इनडेफिनिट कहां पर होंगी और चीजें डेफिनिट कहां पर होंगी। देखो हमने कहा भैया बाजार जाओ, कहां जाओ, मार्केट जाओ, और मार्केट से कोई भी पेन ले आओ, ये 5-10 पेन है, हमने कहा कोई भी पेन ले आओ। तो ये बात निश्चित या निश्चित, जब जैसे ही हमने कहा कोई भी पेन ले आओ, ये बात कैसी हो गई, ये बात हो गई अनिश्चित। हमने कहा एक काली कैप वाली पेन लाना, कौन सी पेन लाना, काली कैप वाली पेन लाना। तो अब वो कैसा हो गया, निश्चित। तो जब हम स्पेसिफिक कर देते हैं किसी चीज को तो वो निश्चित हो जाता है। जैसे हमने कहा एक बाजार जाओ कोई भी आलू ले आओ, लेकिन हमने कहा नहीं शर्मा जी की दुकान वाला आलू लाना, तो ये बात क्या हो गई, निश्चित। जब हम किसी चीज को क्या कर देते हैं, स्पेसिफाइड कर देते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है, और जब स्पेसिफाइड नहीं करते तो इनडेफिनिट हो जाता है। जैसे हमने कहा कोई चाय पी लो तो इनडेफिनिट है, हमने कहा नहीं उन्हीं के दुकान की चाय पीना जहां वो मिले थे। समझ रहे हैं तुम्हारा संबंध, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम इनडेफिनिट के लिए दो टर्म लगाते ए और एन, और डेफिनिट के लिए हम क्या लगाते भैया, लगाते ता, लगाते टी एच ई था। कुछ लोग इसको दी भी बोलते हैं, वो बात हम बता देंगे आपको। अब देखो जो विशेष है ए और एन में है, और दा में भी है, दा की बात हम बाद में करेंगे, आज जो बात करेंगे ए और एन की बात करेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है वो कहाँ पे लगता है, नाउन के पे, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी काउंटेबल। कैसा नाउन होना चाहिए, जो गिनने वाला, मतलब जिसको काउंट कर सकते वो वाला नाउन होना चाहिए, दैट शुड बी काउंटेबल। तो ये बात याद रखिएगा, नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। बताओ भाई किसकी बात कर लेते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर लेते। तो जब हम इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इनडेफिनिट आर्टिकल, किसकी बात करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं। तो यहां पर हमको दो टर्म निकल कर सामने आते हैं, ए और एन। अब भाई ये बात बताओ कि कहां पर ए लगा दे और कहां पर एन लगा दे, तो टेंशन मत लो हम है ना, ठीक है। कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, इसको बताने के लिए हम है, ठीक है। अब देखो बचपन में याद करो, जो मैडम थी, ऐसा नहीं कह रहे कि मैडम ने गलत पढ़ाया था, मैडम ने तुमको बिल्कुल बताने के लिए उन्होंने कहा बेटा कहीं पर ए ई आई ओ यू देखो तो बेटा एन लगा, तो बेटा आज तक रटे बैठे हैं कि कहीं पर ए ई आई ओ यू देखो तो एन लगा दो। लेकिन आ गए हमारे पास कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ने, सर हमें बैंक की तैयारी करा दो, एसएससी की तैयारी करा दो। और जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे आप क्या हो जाओगे, माइनस में चले जाओगे। क्या हो जाओगे, माइनस का 0.25 पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां लगेगा ही नहीं। यहां पर तो कॉन्सेप्ट अब गया बदल, क्योंकि आप हो गए हो बड़े, और बड़े हो गए हो तो यहां पर क्या चलता है, एन लगता है जब आपका वॉवेल साउंड आता है, जिसे वॉल साउंड भी कुछ अंग्रेज लोग बोलते हैं, ठीक है, वॉल साउंड। लेकिन हम तो जानते हो वॉवेल साउंड से काम चला लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए कहां पर लगेगा, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट सर क्या है और वॉवेल क्या है, तो मेरे भाई ए ई आई ओ यू आई ओ ये आपका वॉवेल साउंड है। इनके अलावा जैसे बच्चा बी सी डी एफ जी और ई टी सी, ठीक है, ये सब जो हुए जेड तक, इनके अलावा वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर आपका वॉवेल साउंड आ रहा है मेरे भाई, दोस्तों समझो, अगर आपका वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगेगा। अब तुम कहोगे, एक लड़का कहेगा कि सर कैसे जानेंगे कि वॉवेल साउंड है कॉन्सोनेंट, तो जुगाड़ सीखो। देखो दुनिया चलती है जुगाड़ से, हम तुमको सिखाते हैं जुगाड़। कैसे सीख लोगे जुगाड़, मैं आपको फटाफट बताता हूं। देखो एन अगर आपको लगाना है तो जिस शब्द के पहले लगाना है उसकी हिंदी लिख लो फटाफट, उसकी क्या लिख लो, हिंदी लिख लो। अगर आप उसकी हिंदी लिखोगे और हिंदी का
का से क्या का मतलब खा से शुरुआत हो रही है, जा से शुरुआत हो रही, या से शुरुआत हो रही, टा से शुरुआत हो रही, का से क्या के बीच में अगर आएगा तो एन नहीं लगेगा, इस कंडीशन पे ए लगेगा। और आ से आहा के बीच में आएगा तो उस कंडीशन पे क्या लगेगा एन। चलो मैं एक बता दू, जैसे एम एल ए, एम एल ए, अब देखो एम एल ए है, यहाँ पर एम आया है एम, तो अगर मैडम के अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ पर तो हम क्या लगा देते, ए लगा देते, और ए लगाते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, एम एल ए दिया है, क्या दिया है एम एल ए, इसकी हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे एम एल, और क्या लिखोगे ए लिखोगे, तो यहाँ पर भैया भटाक से क्या लगा दो एन लगा दो, ये गलत होगा, ए एम एल ए एन एम एल ए सही होगा। देखो कॉन्सेप्ट पता चला, सारी बातें पता चली कि नहीं। अच्छा चलो, जैसे टर्म दिया है आपका यूरोपीन, क्या दिया है यूरोपीन दिया है, अब देखो यूरोपीन दिया है, अब इसको कैसे करना है, यूरो यूरोपियन ऐसे लिखते हो, यूरोपियन यही तो लिखोगे, तो यू या से यज्ञ आया तो यहां पर क्या लग जाएगा ए लग जाएगा, बात क्लियर हो गई। जैसे आपका क्या आया, जैसे आपका आया क्या, जैसे आपका आया आवर, तो इसको बता चुके एन आवर आएगा, वाई सो। थैंक यू वेरी मच।